हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे विंडोज 10 के साथ साथ विंडोज 11 को डबल बूटिंग करके इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस, इस वीडियो में मैंने डेल का इंस्पायरन लैपटॉप यूज़ किया है और आप भी चेक कर लेना कि आपके लैपटॉप में या फिर पीसी में विंडोज 11 सपोर्ट करता है कि नहीं। अगर नहीं करता है तो आप मत इंस्टॉल करें, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिशियली बोल दिया है कि थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। यह वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, इसलिए आप एंड तक जरूर देखें, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड देने वाला हूं इस वीडियो में। विंडोज 11 को इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले एक विंडोज 11 का बूटेबल पेन ड्राइव बनाना होगा, और इसका भी मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दिखाने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस, विंडोज 11 को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको विंडोज 11 का बूटेबल बनाना होगा, और बूटेबल बनाने के लिए आपके पास उसका iOS इमेज होना जरूरी है, और iOS इमेज आपको माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। सो आप गूगल पर सर्च करेंगे विंडोज 11 तो आपके पास ये माइक्रोसॉफ्ट का वेबसाइट खुल के आ जाएगा, और आपको पहले लिंक पर क्लिक करना है या फिर डाउनलोड पर क्लिक करना है। एंड गाइस, इसके बाद आपके सामने विंडोज 11 का ऑफिशियल पेज खुल के आ जाएगा, और इस पेज पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। तो आप इस पर विंडोज 11 सेलेक्ट कर ले और नीचे डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिए, और डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और मेन्यू दिखेगा, उसमें से आपको लैंग्वेज चूज करना है, और लैंग्वेज चूज करने के लिए आपको वहाँ पे क्लिक करना होगा, और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज चूज कर लीजिए, इंग्लिश या फिर कोई, और यहाँ पे डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पे आपको 64 बिट पे क्लिक करना है और आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको डाउनलोड होने तक वेट करना है। और गाइस, बूटेबल बनाने के लिए हमको एक और टूल की जरूरत पड़ेगी, वो है रफस। रफस को डाउनलोड करने के लिए फिर से गूगल पर सर्च करेंगे रफस, और रफस का पेज खोल लेंगे। रफस के पेज में आपको नीचे स्क्रॉल करना है, उसके बाद आपको रफस का 3.16 वर्जन मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लेना है। रफस और विंडोज 11 दोनों डाउनलोड होने के बाद हमको रफस को रन करना है, और रफस को रन करने के लिए हमको डबल क्लिक करना है, क्योंकि हमको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको एक पेन ड्राइव इंसर्ट कर लेना है अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में। मेक श्योर कि पेन ड्राइव कम से कम 8 GB या फिर 16 GB का होना चाहिए, क्योंकि iOS इमेज ही 5.12 GB का है। अगर ऊपर में आपका पेन ड्राइव शो हो रहा है तो आपको iOS इमेज सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के लिए आपको सेलेक्ट पर क्लिक करना होगा, और जहाँ पर आपने iOS इमेज रखा है उसको नेविगेट करके सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे पे यहाँ पे GPT सेलेक्ट होना चाहिए और UEFI मोड में होना चाहिए, और उसके बाद हमको नीचे कुछ भी चेंज नहीं करना है। एंड गाइस, इसके बाद हमको स्टार्ट पे क्लिक कर देना है, और आपका बूटिंग स्टार्ट हो जाएगा, और कुछ देर के बाद आपका पेन ड्राइव एक बूटेबल पेन ड्राइव हो जाएगा। और गाइस, ये सारे विंडोज क्लोज कर देने हैं जो अभी खुल रहे हैं। इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए आप पेशेंटफुली थोड़ा वेट कर लीजिए। थोड़ी देर के बाद आपका बूटेबल रेडी हो जाएगा, और आपको क्लोज पर क्लिक करना है, क्योंकि अब हमारा पेन ड्राइव इंस्टॉलेशन के लिए रेडी हो चुका है। करने के बाद हमको अपना पेन ड्राइव निकाल लेना है, और जिस भी कंप्यूटर में हमको डबल बूटिंग करना है उसमें एक न्यू हार्ड डिस्क का पार्टीशन बना लेना है, और उसको खाली रखना है, क्योंकि उसमें हम विंडोज 11 को न्यू इंस्टॉल करेंगे। एंड गाइस, इसके बाद हमको लैपटॉप को शट डाउन करना है, और जो बूटेबल पेन ड्राइव हमने बनाया था उसको लैपटॉप में इंसर्ट कर लेना है। एंड उसके बाद हमको अपना लैपटॉप ऑन करना है, और ऑन करने के बाद हमको F12 पे प्रेस करना है, या फिर आपके लैपटॉप में जो भी सपोर्टेड की है बूटिंग के लिए उसको सिर्फ क्लिक करना है। एंड गाइस, बूटिंग मेन्यू में से हमको अपना पेन ड्राइव सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि उससे हम विंडोज 11 को इंस्टॉल करेंगे। एंड गाइस, थोड़ी देर बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगा, और यहाँ पे आपको अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। एंड गाइस, इसके बाद आपको प्रोडक्ट के लिए पूछा जाएगा, आपको यहाँ पे स्किप करना है, आई डोंट हैव पासवर्ड, और उसके बाद आपको विंडोज 11 का वर्जन सेलेक्ट कर लेना है, विंडोज होम प्रो सिंगल लैंग्वेज कोई भी, और यहाँ पे आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है, और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। कस्टम को चूज करना है, क्योंकि हम न्यू बूटिंग करने वाले हैं अपने न्यू हार्ड डिस्क में, और आप हार्ड डिस्क का पार्टीशन चूज कर लेना है जो भी आपने न्यू बनाया था। और ये स्टेप आपको सोच समझ के करना है, क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक आपको इसमें सारा डाटा डिलीट कर देगा। एंड पार्टीशन सेलेक्ट करने के बाद आपको उसको फॉर्मेट कर सकते हैं, या फिर वैसे ही कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू करने के लिए आपको फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा।
एंड गाइस इसके बाद जो भी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाएगा। आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसलिए आप थोड़ा सा पेशेंटली इसको इंस्टॉल होने दीजिए और कोई भी स्टेप में घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा टाइम कम या ज़्यादा ले सकता है, बट ये इंस्टॉल हो जाएगा। एंड गाइस इंस्टॉलेशन का जो भी प्रोसेस होता है वो ख़त्म होने के बाद आपका लैपटॉप खुद ब खुद रिस्टार्ट हो जाएगा। आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको फिर से रिस्टार्ट होने दीजिए। और गाइस रिस्टार्ट होने के बाद आपके सामने स्क्रीन आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि विंडोज 11 इंस्टॉल हो चुका है। और फिर से रिस्टार्ट हो जाएगा तो आप इसको रिस्टार्ट होने दीजिए। और गाइस अपने लैपटॉप को हमेशा चार्ज में रखिए इंस्टॉलेशन के वक्त, क्योंकि बैटरी कम होने की वजह से विंडोज़ करप्ट भी हो सकता है। एंड गाइज इंस्टॉलेशन एंड रिस्टार्ट होने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगा और ये स्क्रीन गाइज विंडोज़ 11 का है और इसमें आपको अपना रीजन सेलेक्ट करना है। एंड गाइज इसमें आपको कीबोर्ड का सेटिंग चूज करना है और लेआउट चूज करना है और इस पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। एंड गाइस यहाँ पे आपको इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए बोलेगा, आप कोई भी वाईफाई चूज़ कर लीजिए और उसमें कनेक्ट कर लीजिए। सो, अगर विंडोज़ 11 का कोई न्यू अपडेट होगा तो इसमें आपका अपडेट हो जाएगा। एंड गाइस आगे का जो भी प्रोसेस है उसको आपको ऑटोमेटिकली होने देना है और थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। एंड गाइस कुछ समय बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगा और इसमें आपके कंप्यूटर का नाम चूज करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। एंड गाइस इसके बाद आपका लैपटॉप एक बार फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा और आपको वेट करना है। गाइस स्टार्ट होने के बाद और कुछ सेकंड घूमने के बाद आपके सामने स्क्रीन आएगा, इसमें आपका नाम सेलेक्ट करना है और इसको नेक्स्ट कर देना है। एंड गाइस यहाँ पे आपको जो भी है वैसे छोड़ देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। एंड गाइस सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपके सामने विंडोज़ 11 का स्क्रीन आ जाएगा और आप देख सकते हैं कि विंडोज़ का स्टार्ट मेनू यहाँ पे खुला हुआ है और विंडोज़ 11 में स्टार्ट मेनू बिल्कुल ही डिफरेंट है विंडोज़ 10 से। एंड गाइस विंडोज़ 11 में बहुत सारा चेंज हो चुका है और विंडोज़ 10 से बहुत ही बेटर हो चुका है एंड सारा UI एंड फील चेंज कर दिया गया है। गाइज मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर आपको दिखा देता हूँ कि विंडोज 10 में बैकग्राउंड कैसा दिखता है और सारा का सारा UI कैसा दिखता है। आपको मैं एक अलग से ट्यूटोरियल बना दूंगा जिसमें आपको विंडोज 11 को कैसे यूज करना है वो दिखा दूंगा, इसमें सिर्फ आपको थोड़ा सा ग्लिच देना है।
एंड गाइस इसके बाद आपको विंडोज़ 11 को शट डाउन करने के लिए विंडोज़ के स्टार्ट बटन पर राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे शट डाउन एंड साइन आउट पर क्लिक करना है और यहाँ से रीस्टार्ट चूज कर लेना है। एंड गाइस इसके बाद आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाएगा और आपको थोड़ा वेट करना है, और गाइस थोड़ी देर बाद आपका विंडोज़ 10 खुल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि विंडोज़ 11 और 10 दोनों ही एक साथ इंस्टॉल हो चुका है आपके सिस्टम में या फिर आपके लैपटॉप में। एंड गाइस आप यहां पे फाइल एक्सप्लोरर खोल के देख सकते हैं कि जिस भी पार्टीशन में आपने विंडोज 11 को इंस्टॉल किया उसमें आपको विंडोज का फाइल्स मिल जाएगा, और इससे पता चलता है कि आपका विंडोज 11 अब सेपरेट पार्टीशन में इंस्टॉल हो चुका है और साथ साथ विंडोज 10 भी चल रहा है। और इसी तरह विंडोज 10 और 11 दोनों आप यूज कर सकते हैं। एंड गाइस फिर से विंडोज 11 में नेविगेट करने के लिए आपको अपने पीसी को रीस्टार्ट करना है या फिर शट डाउन करना है और फिर से रीस्टार्ट कर देना है। ये स्टार्ट होने के बाद आपके सामने मेन्यू आ जाएगा, इस मेन्यू से आपको अपना ओएस चेंज कर लेना है और या फिर यहाँ पे आप डिफॉल्ट चेंज कर सकते हैं कि सबसे पहले कौन सा खुलेगा, और यहाँ पे आप विंडोज 11 को सिलेक्ट कर लेंगे।